जीप रेनेगेड। जी हाँ दोस्तों, भारत में लॉन्च होने वाली है जीप रेनेगेड। जीप कंपनी की ये रेनेगेड कार भारत में जल्द ही लॉन्च होगी और जीप कंपास के बहुत ज़्यादा सक्सेस के बाद जीप कंपनी उत्साहित है और वो भारत में अब नई अपनी कार रेनेगेड को लॉन्च करने वाली है। और ये जो सेगमेंट में आने वाली है, उस सेगमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। यह आएगी क्रेटा डस्टर कैप्चर और इस क्रॉस के सेगमेंट में और नेक्सॉन ब्रेजा इको स्पोर्ट की ज़रा सी ऊपर के लेवल में। जी हाँ, जीप रेनेगेड। अब इस कार के बारे में हम बात करते हैं। फ्रंट में इसका जो ग्रिल है, जीप कंपनी का ग्रिल एक उनकी पहचान है, वो बिल्कुल दिखेगी इस कार के फ्रंट में भी। और ये कार आएगी उनके 16 इंच से और 18 इंच से व्हील टायर्स के साथ। और शायद ही अगर सोचें हम तो इंडिया में 16 और 17 इंच के व्हील के साथ ये आएगी। और ये कार बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, बहुत गुड लुकिंग है और बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो मजबूती झलक के रहती है। हम देख सकते हैं इस कार की जो हाइट है वो भी बहुत ही अच्छी है। इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, ड्यूअल टोन इंटीरियर के साथ। ये इंडिया में आ सकती है, हालांकि बाहर देशों में ये ब्लैक इंटीरियर के साथ आती है, वाइट इंटीरियर के साथ आती है, लेकिन इंडिया में इंडिया के लोग ड्यूअल टोन इंटीरियर पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर ड्यूअल टोन इंटीरियर के साथ आएगी। और 6.5 से 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ये इंडिया में आ सकती है। और यहाँ पे सनरूफ भी मिल सकता है इंडिया में इस कार को, और सनरूफ शायद मिले तो टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। इसका इंटीरियर हालांकि बहुत ही खूबसूरत है। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी अगर हम देखें तो बाहर देशों में बहुत अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी मिलती है, लेकिन जिस सेगमेंट में आने वाली है, अगर उस सेगमेंट की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकती है जीप कंपनी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा एडजस्टमेंट। बाकी इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है, इंफोटेनमेंट भी इसका अच्छा मिलेगा अगर ये आएगी इंडिया में तो। अब इसका जो बैक लुक है इसके बारे में बात करते हैं। बैक से भी ये जो है वो बहुत ही बढ़िया नज़र आएगी। इसका जो बैक डोर है वो साइड में नहीं खुलेगा, वो ऐसा ऊपर खुलेगा। बात करेंगे इसके बूट स्पेस की, इसका बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, बढ़िया सा बूट स्पेस हमें मिलेगा। इसके जो बैक लाइट्स हैं बहुत ही बढ़िया नज़र आएंगे। इसका जो व्हील बेस है 2.57 इंच का व्हील बेस इसको मिलेगा, बाकी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये। बाहरी मुल्कों में ये 4x4 में भी मिलती है, लेकिन इंडिया में मुझे नहीं लगता कि अभी ये 4x4 में लॉन्च होगी। शुरू में चलेगी, लेकिन बाद में शायद कंपनी इसको 4x4 में लॉन्च करे। इसके इंजन की बात करते हैं, 1.3 लीटर डीजल इंजन आ सकता है इसमें, शायद 9 PS की पावर देने वाला, या फिर कोई नया इंजन जीप कंपनी इंपोर्ट कर सकती है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जीप कंपास में जो इंजन यूज़ किया था 1.4 लीटर इंजन TSI का, जो 140 PS की पावर जनरेट करता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इंजन इसमें मिल सकता है। इसका फाइव स्पीड ट्रांसमिशन इसको मैनुअल में मिल सकता है, और 8 स्पीड ट्रांसमिशन इसको मिल सकता है। जो अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका जो टॉप मॉडल है, शायद टॉप मॉडल में ये हमें देखने को मिले। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 10 lakhs to 18 lakhs के बीच में शायद मिलेगी। अगर उसके 10 lakhs के नीचे
शायद मुझे नहीं लगता कि 10 लाख के नीचे ये आ सकेगी इंडिया में। और जीप ने ये भी बात कही है कि ये इंडिया में लॉन्च करेगी और वो 65% इसके जो पार्ट्स है वो लोकल इंडिया से लेगा और बाकी के जो है इंपोर्ट करेगा। तो फाइनली ये गाड़ी बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग है, और ये देखना बहुत ही मज़ेदार होगा कि ये अपनी जगह किस सेगमेंट में बनाती है, नेक्सॉन ब्रेजा इको स्पोर्ट के सेगमेंट में या क्रिएटा कैप्चर एस क्रॉस के सेगमेंट में अपनी जगह बनाती है। लेकिन हालांकि ये गाड़ी बहुत गुड लुकिंग है तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये क्रिएटा एस क्रॉस के सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी। और जो लोग कंपास खरीदना चाहते थे, जिनका बजट वहाँ तक नहीं जाता था, तो वो लोग 100% इसका वेट कर रहे हैं और ये मार्केट में आते ही वो बुक कर देंगे। तो चलिए, यदि बात जीप रेनेगेड के बारे में, अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, ऐसे ही नई कार के बारे में आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नई कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो मेरा चैनल लाइक कर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। और कमेंट बिल्कुल देना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद आया, आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, ताकि मैं अपने क्वालिटी में अपने इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको और ज़्यादा से अच्छे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच।